महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ महाराज के पास में जाकर के उनके चरणों में बैठ जाते हैं और चरणों में बैठकर के अस्त्र धारा प्रभावित होने लगती है, आंखों से जल धारा प्रभावित होने लगती है। इस दृश्य को देखकर के मेरी माता गुरु वशिष्ठ महाराज एक बात कहते हैं, राजन इतना अधीर इतना दुखी तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। अरे आप तो सम्राट हैं, आप तो राजा हैं, और राजा को कभी भी चिंता या दुखी बोलो नहीं होना चाहिए। आप क्यों दुखी हैं? अपनी व्यथा को सामने रख रहे हैं। बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल इसका मिला नहीं। हे गुरुवर, तीन तीन विवाह कर चुका हूं लेकिन फल अभी तक बोलो नहीं मिला है। क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं राजा दशरथ महाराज? कि विवाह तो जरूर हुआ है लेकिन विवाह के बाद जो उत्तम संतान रूपी फल लगा करते हैं इस गृहस्थ के अंदर, वो अभी बोलो नहीं लगे। बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल इसका मिला नहीं। और है चौथा पने आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। हे गुरुवर, अब तो उम्र के उस पड़ाव पर मैं पहुंच गया हूं, अब तो मुझे उम्मीद भी बोलो नहीं रही है। गुरुवर कोई ऐसा उपाय बताओ जो इस गृहस्थ रूपी पेड़ पर संतान रूपी फल लग जाए। और जानते हो चिंता कर रहे हैं, और बहुत सुंदर लिखा आगे क्या कि गुरुवर अपने भविष्य को लेकर के परेशान हो, ना जाने आगे कैसा हो भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूं, इस प्रबल दुख ने घेरा है। दुख इस बात का ही है के परिवार के अंदर, इस घर के अंदर कोई संतान नहीं है, बस इस बात को लेकर के चिंता में डूबा हुआ। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिससे उत्पन्न न हो, फल ही जिससे उत्पन्न न हो, फल जलधर भी क्या जलधर है, वो जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो, जल ही से जो संपन्न न हो, जल ही से जो संपन्न न हो। राजन ने कहा है गुरुवर, वो पेड़ भी कोई पेड़ होता है क्या जिस पेड़ के ऊपर बोलो फल नहीं होते? अरे वो नदी भी कोई नदी होती है क्या जिस नदी के अंदर बोलो जल ना हो? अरे वो गृहस्थ भी कोई गृहस्थ होते हैं क्या जिस गृहस्थ के अंदर संतान ना हो? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजन बात को थोड़ा खुलकर के बताओ, घुमा फिरा करके बात मत करो, थोड़ा खुलकर के बात बताओ कि आपकी समस्या क्या है, आप क्यों चिंता में डूबे हुए हैं,
और तब राजा दशरथ महाराज एक वाक्य कहते हैं, क्या? कि गुरुदेव उपाय यही अब हो, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आँखों में भी आए प्रकाश, आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए, आत्मा कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना, और पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। हे गुरुवर, मैं चाहता हूं ज्यादा संतान ना हो, पर इतनी तो अवश्य हो जाए जो मेरे इस वंश को बोलो आगे ले जाए, मेरे वंश को आगे बढ़ाए, इस रघुवंश को, इस रघुवंश के नाम को आगे बढ़ाए, बस ऐसी संतान चाहता हूं। और जानते हो, जब इतना अधीर देखा तो गुरु वशिष्ठ महाराज एक बात कहते हैं, सुनना मेरे प्यारे सजनों। गुरु वशिष्ठ महाराज कहते हैं, राजन हमें अपने कार्यों के संचालन के लिए चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। क्या कहा? चिंतन करना चाहिए, चिंता कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता हमारे दुखों को बढ़ाती है, और चिंतन करते हैं जब हम, तो चिंतन करने से हमारे घर में सुख की वृद्धि, बोलो, हुआ करती है। आचार्य चाणक्य महाराज जी से जब लोगों ने पूछा था, महाराज जी ये बताओ, यदि चिंता और चिंतन में से आपको, चिंता और चिता में से आपको किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? चिंता और चिता में से यदि किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? तब आचार्य चाणक्य महाराज बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, यदि चिंता और चिता में से मुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मैं चिता को चुनूंगा। क्यों? क्योंकि चिता तो मुझे एक बार में ही जला करके भस्म कर देगी, लेकिन चिंता मुझे हर रोज बार बार जलाती रहेगी, इससे अच्छा है मैं चिता को स्वीकार करके एक बार में ही भस्म। और चिंतन होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के प्रबल विरोधी भी होते हैं, याद रखना। जो व्यक्ति चिंतित रहता है, जो व्यक्ति चिंतित होगा वो कभी भी चिंतनशील, बोलो, नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति चिंतनशील होगा वो कभी भी चिंतित नहीं हो सकता। यहां गुरु वशिष्ठ महाराज यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि राजन आपको अपने भविष्य को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए, अपितु क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। और जब देखा राजा दशरथ महाराज की आंखों में आंसू, तो गुरु वशिष्ठ महाराज एक बात कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों, देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरु रा, ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता है हे राजन, इतने परेशान, इतने अधीर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है।
चिंता क्यों करते हो? राजा दशरथ महाराज कहते हैं बस एक संतान की चिंता है, संतान की चिंता है। अच्छा आपको लगता है यदि संतान हो जाएगी राजन तो क्या गारंटी है जो संतान आपके घर में जन्म लेगी वो उत्तम संतान होगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके रघुकुल इस वंश को कलंकित करने वाली संतान यदि हो गई तो क्या करोगे? यदि कोई ऐसी संतान हो गई जो आपके शासन को पीछे ले जाएगी, इक्ष्वाक वंश की बदनामी कर देगी, यदि ऐसी संतान हो गई तो फिर क्या करोगे? और कहा कि हो जाए कुपुत्र कहीं तो वो घर को शमशान बनाता है, घर को राजन ये व्यर्थ ये है विचार, बेटा कब वंश चलाता है, बेटा कब वंश चलाता है, बेटा कब वंश चलाता है। हे राजन आप वंश की बात करते हो कि बेटा जन्म लेगा तो मेरा वंश आगे बढ़ेगा, अरे आपको किसने कह दिया कि जो बेटा होता है वही वंश को आगे बढ़ाता है? अच्छा बताओ क्या माता पिता का नाम ये बेटियां आगे नहीं बढ़ाती क्या? बोलो। अरे आज के समय की यदि बात की जाए तो मेरी माताएं बहने किसी भी क्षेत्र में बेटों से या पुरुषों से कम, बोलो नहीं, किसी क्षेत्र में कम नहीं है। किसी भी क्षेत्र को उठा करके देख लीजिए, और यहां तक यदि मैं बात कह दूं कि इस भारत का सबसे सर्वोच्च पद पर यदि विराजमान कोई बैठी हुई है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी तो आपकी ही जाति की है मेरी माताओं, आपकी जाति की है। गुरु वशिष्ठ महाराज कहते हैं राजन आपको किसने कह दिया के पुत्र होगा तो वो वंश को आगे बढ़ाएगा? राजन शायद तुम एक बात भूल रहे हो। और क्या बात भूल रहे हो? कि अब तक सभी मानो भाव ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव पहला दिन आदि को का पुत्रों ने नाम बढ़ाया है। हे राजन, हे राजन, क्या ध्रुव और प्रहलाद जितने भी महामुनि हुए हैं क्या उनकी संतान ने उनका नाम बढ़ाया है? राजन व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से महान हुआ करता है, अपने कर्मों से महान हुआ करता है, और कर्मों से ही दुनिया में व्यक्ति की पहचान हुआ करती है। अरे पुत्रों से कोई पहचान नहीं होती है। और इस बात को सुन रहे हैं राजा दशरथ महाराज चरणों में बैठे हुए। गुरु वशिष्ठ महाराज कहते हैं राजन चिंता छोड़ो, चिंतन करो, तुम व्यर्थ की बात को लेकर के बैठे हुए हो। लेकिन राजा दशरथ महाराज कहां मानने वाले थे मेरे प्यारे सजनों? गुरु जी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। और क्या कि भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, और गुरु के सम्मुख शिष्य का अरे समुचित नहीं विवाह। राजा दशरथ महाराज ने पलट करके कोई जवाब अपने गुरु को तो नहीं दिया मेरी माताओं, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति में
गुरु के आदेश को माना जाता है, उनके आदेश की अवहेलना बोलो नहीं की जाती है। लेकिन एक बात जरूर कहते हैं राजा दशरथ महाराज, जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के, पकड़े ही रहे चरण गुरु के, पकड़े ही रहे चरण गुरु के, मानो अपना सारा भविष्य, मानो अपना सारा भविष्य, कर दिया आज अर्पण गुरु के, कर दिया आज अर्पण गुरु के, कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरु वशिष्ठ महाराज के चरणों को पकड़ करके छोड़ नहीं रहे हैं मेरी माताओं राजा दशरथ महाराज। और इतना समझाने पर भी एक उम्मीद बनी हुई है कि जरूर गुरुवर कोई ना कोई हल तो मेरी समस्या का जरूर निकालेंगे। राजा दशरथ महाराज कहते हैं, गुरुवर मुझसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली, मुझसे ज्यादा कर्महीन, भाग्यहीन इस दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति बोलो नहीं होगा। अरे कई बार हमें भी ऐसा लगता होगा कि धन धान्य से तो हमारा परिवार भरा हुआ है, लेकिन परिवार में कोई किलकारी मारने वाली संतान नहीं है तो कभी कभी हमें भी महसूस हुआ करती है। राजा दशरथ महाराज कहते हैं, मैं बहुत कर्महीन हूं गुरुवर, बहुत भाग्यहीन हूं कि मेरे संतान नहीं है। और तब गुरु वशिष्ठ महाराज एक उपदेश देते हैं मेरी माताओं, एक प्रवचन देते हैं राजा दशरथ महाराज को। कहते हैं, राजन आप गलत सोच रहे हो, आपकी जो ये चिंता है ये व्यर्थ है। अरे कर्महीन वो लोग नहीं होते हैं जिनके घर में संतान नहीं होती है। अरे कर्महीन वो लोग नहीं होते हैं जिनके वंश को चलाने के लिए कोई संतान घर में ना हो। कर्महीन तो वो लोग हुआ करते हैं जो अपने घर के अंदर प्रतिदिन यज्ञ नहीं करते हैं। वो लोग क्या होते हैं? वो लोग कर्महीन होते हैं। अरे जो याचक को बिना कुछ दिए ही अपने द्वार से लौटा दिया करते हैं, कर्महीन तो वो लोग हुआ करते हैं राजन। जो अपने बड़ों का अपमान किया करते हैं, कर्महीन तो वो लोग हुआ करते हैं। ऐ दुनिया के लोगों, जब महाराज विदुर से लोगों ने पूछा था ना कि महाराज एक बात बताओ, आप परमात्मा को याद करने की बात करते हो कि हम उस ईश्वर का चिंतन करें तो हम कब कब करें, तो जानते हो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहा शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानामाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। बहुत ऐ दुनिया के लोगों, सो कामों को छोड़ करके हमें क्या करना चाहिए? जैसे अभी हमने कथा प्रारंभ करने से पहले सारे कामों को छोड़ दिया था और एक काम करने के लिए पीछे गए थे, कौन सा काम करने के लिए पीछे गए बोलो? भोजन करने के लिए पीछे गए थे। और कहते भी हैं, पहले पेट पूजा और फिर काम पूजा। सहस्रम स्नानामाचरेत, हजार कामों को छोड़ करके हमें स्नान करना चाहिए। और आगे का लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख कामों को छोड़ करके हमें दान देना चाहिए। और अंत में बहुत प्यारा सा संदेश दिया, कहा करोड़ कामों को छोड़ करके हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। जय श्री राम।